अस्सलाम वालेकुम। लेट्स स्टार्ट चैप्टर न्यूज चैप्टर टू सिस्टम ऑफ रियल नंबर एक्सपोनेंट एंड रेडिकल। बट बिफोर स्टार्ट एक्सरसाइज वी हैव टू नो सम इंफॉर्मेशन अबाउट रियल नंबर। व्हाट आर रियल नंबर्स? सिंपल डेफिनेशन ऑफ रियल नंबर इज दैट एनी नंबर विच कैन बी प्लॉटेड इन अ नंबर लाइन। दिस इज द नंबर लाइन। कोई सा भी नंबर जो इसमें प्लॉट किया जा सके इज कॉल्ड अ रियल नंबर। एनी नंबर विच कैन बी प्लॉटेड इन अ नंबर लाइन इज कॉल्ड नंबर रियल नंबर। फॉर एग्जाम्पल -2 देखिए देखिए -2 यहां प्लॉट हो रहा है, ठीक है। द सेकेंड एग्जाम्पल इज 1/2 विच इज इक्वल टू 0.5 डेसिमल है बट इट कैन बी प्लॉटेड इन द नंबर लाइन। 0 और 1 के दरमियान में ये प्लॉट हो जाएगा। नेक्स्ट है √2 विच इज सेड परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2 इज इक्वल टू 1.142 अप्रोक्सीमेट। इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये के कंटिन्यू इट्स विल बी गोइंग ऑन एंड ऑन। सो इट कैन बी प्लॉटेड इन अ नंबर लाइन। ये भी प्लॉट हो सकता है इस नंबर लाइन पे। सो वी कैन से √2 इज अ रियल नंबर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है पाए विच इज इन ज्योमेट्री सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर। वैल्यू होती है पाए की विच इज इक्वल टू 22/7 विच इज इक्वल टू 3.1415 एंड इट्स विल बी कंटिन्यू गोइंग एंड ऑन एंड ऑन। सो अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3.14 हम यहाँ प्लॉट कर सकते हैं नंबर लाइन पे। सो वी कैन से दिस इज अ रियल नंबर। सिमिलरली 1/6 नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है 0.166 गोइंग ऑन एंड ऑन। सो इट कैन बी प्लॉटेड इन अ नंबर लाइन। नाउ वी कैन से दीज ऑल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर, ठीक है। अब थोड़े नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं कि व्हाट आर द डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर्स आर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल जैसे 1/2 इज इक्वल टू 0.5 इसका 5 इज द लास्ट पार्ट, इट्स नॉट गोइंग एंड ऑन एंड ऑन। सो वी कैन से 0.5 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कैन बी डिवाइडेड अगेन इंटू टू पार्ट्स, रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जैसे मैंने यहां बताया आपको कि ये 1/6 इज इक्वल टू 0.166 नॉन टर्मिनेटिंग है, 3.1415 --- नॉन टर्मिनेटिंग है, यहाँ √2 इक्वल है 1.414 ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अब हमें देखना है कि इनमें रिकरिंग कौन से हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग। रिकरिंग पार्ट्स वो पार्ट होते हैं जिनमें डेसिमल पार्ट कंटिन्यू सेम डिजिट्स रिपीटेड होता रहता है, यानी इसके डिजिट्स जो हैं डेसिमल पार्ट्स के रिपीट होते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 1/3 इक्वल टू 0.33, 1/6 0.166। अब इसी तरह नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग वो पार्ट्स होते हैं जिन वो डेसिमल होते हैं जिनका डेसिमल पार्ट जो है इनके डिजिट्स सेम नहीं होते, रिपीट नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल 22/7 विच इज द वैल्यू ऑफ पाई एंड √2 इज इक्वल टू 1.414 ये डिजिट्स जो है आगे जाके रिपीट नहीं होते हैं, इनको हम कहते हैं नॉन रिकरिंग, ठीक है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग के रिकरिंग और टर्मिनेटिंग ये दोनों ये जो है ये क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को क्यू से डिनोट करते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग का नॉन रिकरिंग पार्ट जो है वो क्या कहलाता है, इरेशनल नंबर, जिसको हम डिनोट करते हैं q- से। और q- यानी रेशनल और इरेशनल को कंबाइन करेंगे तो ये हमारे पास रियल नंबर आएगा, विच इज द अनदर डेफिनेशन ऑफ रियल नंबर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, रियल नंबर इज इक्वल टू रेशनल नंबर यूनियन इरेशनल नंबर, यानी इरेशनल और रेशनल का यूनियन जो है वो क्या कहलाता है, रियल नंबर। वी आर टॉकिंग अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर कैन बी क्लासिफाइड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी।
इट्स मीन द सम ऑफ टू रियल नंबर इज ऑल्सो अ रियल नंबर. फॉर एग्जाम्पल लेट द सेट इज एस इज हियर 2, 4, 6, 8. इवन नंबर्स का सेट है ये. और अगर हम इनके दो एलिमेंट्स को प्लस करेंगे तो किसी भी दो रियल नंबर को प्लस करेंगे तो जो आंसर आ रहा है वो भी इसी सेट में से बिलोंग्स करेगा. फॉर एग्जाम्पल 2 + 4 = 6. 6 बिलोंग्स टू एस, यानी 6 भी जो है वो एस से बिलोंग कर रहा है. सिमिलरली 6 + 8 = 14 बिलोंग्स टू एस. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? लेट द सेट, कोई सा भी आपके पास रियल नंबर का सेट है तो आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी? ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए. यहाँ ए और बी क्या है? रियल नंबर है. फॉर एग्जाम्पल 2 + 3 = 3 + 2. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. फॉर एग्जाम्पल ए बी सी हमारे पास रियल नंबर है. ए प्लस बी प्लस सी इन ब्रैकेट इज इक्वल टू ए प्लस बी इन ब्रैकेट प्लस सी. फॉर एग्जाम्पल है यहाँ पे 2 + 3 + 4 = 2 + 3 + 4. दोनों इक्वल होंगे. दिस प्रॉपर्टी इज सेड टू बी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एडिटिव आइडेंटिटी. एग्जाम्पल है ए प्लस 0 = 0, यानी कोई सा भी रियल नंबर है उसमें आप 0, 0 भी रियल नंबर है अगर प्लस करेंगे तो आपके पास वही रियल नंबर रहेगा. 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी. ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद फिफ्थ एडिटिव इनवर्स. एडिटिव इनवर्स फॉर एग्जाम्पल ए माइनस ए. माइनस ए इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए. कोई सा भी रियल नंबर है अगर उसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है तो उसका एडिटिव इनवर्स उसका ऑपोजिट साइन होगा. फॉर एग्जाम्पल माइनस ए एडिटिव इनवर्स ऑफ ए एंड ए इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस ए. इनका सम क्या होगा? हमेशा 0 होगा. ठीक है, फिर आते हैं एडिट प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन. उसी तरह से प्रॉपर्टीज हैं. नंबर फर्स्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी यानी सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ अ टू रियल नंबर इज ऑल्सो अ रियल नंबर. फॉर एग्जाम्पल एक सेट है आपके पास 2, 4, 6, 8. अगेन वो इवन नंबर्स का सेट है जहां पे ए बी रियल नंबर है और इनका प्रोडक्ट जो होगा वो भी रियल नंबर होगा. फॉर एग्जाम्पल 2 × 4 = 8. 8 बिलोंग्स टू एस, यानी एस से बिलोंग कर रहा है ए. कोई सा भी आप इनमें से नंबर लें और उनका प्रोडक्ट फाइंड करें तो वो इसी सेट से बिलोंग करेगा. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी. ठीक है, नेक्स्ट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में भी ये है ए इंटू बी इक्वल होगा बी इंटू ए. यानी दो रियल नंबर को मल्टीप्लाई करें, इनका ऑर्डर इधर उधर भी कर दें तो इनका प्रोडक्ट सेम रहेगा. नंबर थर्ड है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मीन्स ए बी इंटू सी इन ब्रैकेट इज इक्वल टू ए इंटू बी इन ब्रैकेट इंटू सी. यानी ये प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. उसके बाद फोर्थ है मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी. ए इंटू 1, यानी कोई सा भी रियल नंबर हो उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही आंसर आएगा. हेयर 1 इज द मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी. 1 को हम यहाँ क्या कहेंगे? मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी. फिफ्थ है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, यानी ए इंटू 1/A इज इक्वल टू 1. 1/A इज द इनवर्स ऑफ ए. ए का इनवर्स है 1/A. इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? 1. फॉर एग्जाम्पल 4 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1/4 इज इक्वल टू 1. इसी तरह से कोई सा भी नंबर हो √2 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1/√2. 7 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1/7. इनका प्रोडक्ट क्या होगा? हमेशा 1 के इक्वल होगा. नेक्स्ट है ये लास्ट प्रॉपर्टी है. इसमें विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लीकेशन दोनों को मर्ज करते हैं. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. इसमें भी सेम यही है कि ए बी सी रियल नंबर है. ए इंटू बी प्लस सी, यहाँ पे बी और सी को प्लस किया जा रहा है और ए से मल्टीप्लाई किया जा रहा है.
दैट्स विल बी इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए सी, यानी ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके एग्जाम्पल के तौर पे 2, 4, 6 इसी सेट के मैंने नंबर्स लिए हैं। 2, 4 प्लस 6 को मल्टीप्लाई करने हैं, 4 प्लस 6 को प्लस करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल होगा 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस करेंगे 2 को 6 से मल्टीप्लाई, यानी दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करके प्लस फिर प्लस करेंगे। तो ये प्रॉपर्टीज हैं, ये प्रॉपर्टीज हमारे लिए एक्सरसाइज को करने के लिए काम आएंगी। इन सब को बहुत अच्छी तरह से सुन के जहन में रखें, ये पूरा आपको कॉपी डाउन करना होगा अपनी फेयर कॉपी पे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मेक अ टाइटल पेज बनाएंगे चैप्टर 2 का, देन वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 2.1। ओके स्टूडेंट, नाउ वी मूव टूवर्ड्स एक्सपोनेंट एंड लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। एज यू नो 2^3 विच इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 टाइम एंड द रिजल्ट इज ए। सिमिलरली -3^4 इट मीन्स -3 मल्टीप्लाइड बाय 4 टाइम एंड द रिजल्ट इज 81। सो वट जो भी नंबर हो आपको हम सिम्बॉलिकली ले सकते हैं a^n, वेयर a इज बेस एंड द एन इज कॉल्ड एक्सपोनेंट और इंडेक्स। अब ये एक्सपोनेंट और इंडेक्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। लेट सी कि कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है। कि अगर आपके पास बेस पॉजिटिव है और पावर कुछ भी है तो हमेशा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इफ ए इज पॉजिटिव रियल नंबर देन a^n इज पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल 3^3 इज इक्वल टू 27 होगा, 5^3 इज इक्वल टू 125। यानी बेस आपका पॉजिटिव है तो पावर कुछ भी होगी, आपका रिजल्ट जो है पॉजिटिव आएगा। नेक्स्ट आपका है इफ ए इज नेगेटिव, अगर आपका बेस नेगेटिव होगा एंड एन इज इवन, पावर आपकी इवन होगी 2, 4, 6, 8, देन a^n इज ऑलवेज पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल -3^2 इज इक्वल टू -3 × -3 -×+ 3, 3 = 9, तो रिजल्ट आपका क्या हो रहा है, पॉजिटिव 9। सिमिलरली -5^4 इज इक्वल टू 65 होगा। आपकी थर्ड कंडीशन है इफ a इज नेगेटिव, इफ एन n इज ऑड देन a^n इज नेगेटिव। अगर आपके पास बेस नेगेटिव है और n आपका ऑड नंबर पे है, यानी एक्सपोनेंट आपका ऑड नंबर पे है, तो हमेशा इसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। फॉर एग्जाम्पल -3^3 इज इक्वल टू -3 × -3, द रिजल्ट इज -27। -×+ + −-, तो रिजल्ट आपका क्या होगा, -27। इसी तरह से -2^5, 5 इज ऑड नंबर, सो द रिजल्ट इज -32। ठीक है, नेक्स्ट मूव टूवर्ड लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। इतनी इतनी बड़ी बड़ी टर्म्स होती हैं जिसको सॉल्व करने के लिए आपके पास बहुत टाइम लगता है, तो हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट कर लिए हैं ताकि हमारा टाइम सेव हो और हमारी इजीली हम उसको सॉल्व कर सकें। नाउ फर्स्ट लॉ है a^m × a^n, लॉ ऑफ पावर प्रोडक्ट कहलाता है, विच इज इक्वल टू a^m + n। फॉर एग्जाम्पल 2^3 × 2^3, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी 3 + 2 विच इज इक्वल टू 2^5 एंड द रिजल्ट इज 32। इसी तरह से सेकेंड लॉ है a^m / a^n विच इज इक्वल टू a^m − n। ठीक, पावर्स माइनस हो जाएंगी, डिवाइड हो रहा है, बेसिस सेम है, पावर्स माइनस हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल 5^7 / 5^5 इज इक्वल टू 5^7 − 5 विच इज इक्वल टू 5^2 एंड द रिजल्ट इज 25। ठीक है, थर्ड लॉ इज a^m × whole^n यानी इज इक्वल टू a^m × n। पावर पे पावर है, लॉ ऑफ पावर प्रोडक्ट, पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी a^m × n। एग्जाम्पल आप आगे एक्सरसाइजेस में हम सॉल्व करेंगे। फोर्थ लॉ है √a इज इक्वल टू a^m / हमेशा जब भी रूट में होगा हमेशा इंडेक्स जो है आपका यहाँ पर आ जाएगा, x इज इंडेक्स एंड a इज रेडिकेंट।
एक्स एन सॉरी एन है यहाँ पे, एन इज इंडेक्स हेयर एंड ए इज रेडिकेंट. ए और एन रेडिकेंट कहलाता है और एन जो है इंडेक्स कहलाता है, विच इज इक्वल टू ए रेस टू पावर वन अपॉन एन. फिफ्थ है ए अपॉन बी इज होल रेस टू पावर एम, हमेशा इक्वल होगा ए रेस टू पावर एम के अपॉन बी रेस टू पावर एम. सिक्स आपके पास ए इंटू बी, यहाँ बेसिस डिफरेंट है, ए एंड बी होल रेस टू पावर एम इज इक्वल टू ए रेस टू पावर एम इंटू बी रेस टू पावर एम के इक्वल होगा. सेवेंथ लॉ है ए रेस टू पावर जीरो इज इक्वल टू वन, यानी कोई सा भी बेस है जिसकी पावर जीरो है विथ ऑलवेज इक्वल होगा वन के. एक्स रेस टू पावर जीरो इज इक्वल टू वन, टू रेस टू पावर जीरो इज इक्वल टू वन, 85 रेस टू पावर जीरो इज इक्वल टू वन. कोई सा भी बेस हो जिसकी पावर जीरो है हमेशा किसके इक्वल होगा वन के. लास्ट वाला लास्ट लॉ है वन अपॉन ए रेस टू पावर एम विच इज इक्वल टू ए रेस टू पावर माइनस एम. हमेशा पॉजिटिव पावर जो है ऊपर आके रेसिप्रोकल होके नेगेटिव हो जाएगी, या नेगेटिव पावर जो है रेसिप्रोकल होके पॉजिटिव.